मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच सहित प्रदेश में स्थापित नवीन एवं प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसका जिला स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नीमच के टाउन हॉल में किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच जिले में स्थापित नवीन उद्योगों का वर्चुअल लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। महाप्रबंधक उद्योग विभाग अमर सिंह मौर्य नीमच ने बताया कि कार्यक्रम में तहसील जावद निवासी मीनाक्षी धाकड़ द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राशि 25 लाख का ऋण प्राप्त कर स्थापित शहद प्रसंस्करण इकाई का वर्चुअल लोकार्पण कर सीधा स्वागत किया। चाहने निकालने के बाद क्या उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है? सर दो तरीके होते हैं, एक रोहानी ऐसा है, एक प्रोसेसिंग करके होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके जो सारे गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ मैं रोहानी पे वर्क करती हूँ। तो जो उसके मूल गुण है उसको समाप्त किए बिना आप उसको ग्राहकों तक उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं? जी बिल्कुल। कुल प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई होगी? सर 25 लाख का मेरा लोन हुआ है और 5 लाख खुद की निवेश पूंजी है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। शुद्ध सह साथ ही कपाड़िया मैसर्स ग्लोबल इंडस्ट्रीज झांझरवाड़ा नीमच व हैदर अली मुतुर्जा अली हसन अली द्वारा स्थापित मैसर्स नेशनल इंडस्ट्रीज का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु मोरवन नया गाँव खोर चैनपुरा बामनबड़ी धामनिया केसरपुरा आदि स्थानों पर भूमि आरक्षित हुई है। मोरवन में पिलवाड़ा के निवेशक 1000 करोड़ का निवेश करने के इच्छुक हैं, जिससे 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव प्रसारण कार्यक्रम के दौरान नीमच के टाउन हॉल में 5 इकाइयों का सांकेतिक शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मनासा विधायक माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, कलेक्टर अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। 1000 से ऊपर MSME कंपनीज का उद्घाटन हुआ है पूरे प्रदेश में और 161 के करीब में अपने जिले की कंपनीज चालू होंगी। ये करीब एक साल के अंदर अंदर जो कंपनीज ने परमिशन ली है और जो चालू जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो चालू हो रही हैं उनका उद्घाटन था एक तरीके से। और मानी क्योंकि ये MSME वाले लघु उद्योग रहते हैं तो इसमें रोजगार की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी जोर है और अपने मंत्री तो इसी इलाके के हैं माननीय मंत्री ओम सकलेजा जी, तो उनके प्रयासों से भी काफ़ी तेज़ी से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज एक साल के अंदर बनी हुई है। देखिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आज एक अपने प्रदेश के CM से मेरी बातचीत होना, मतलब चाहे वो एक मिनट के लिए हो या दो मिनट के लिए हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। उन्होंने मेरे हनी के बारे में और मेरे काम के बारे में मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो और हनी को कैसे प्रोसेस करते हो या अनप्रोसेस होता है, तो मैंने बताया उनको कि हम अनप्रोसेस हनी मार्केट में सेल करते हैं और हनी के जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं हनी के अलावा जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं, मेरी दीर्घायु भव की टीम बनाती है। ये सारी चर्चा उनसे हुई। कितने प्रकार के प्रोसेस सर हमारे पास जो है अभी फिलहाल हमने हनी से और अदर जो चीज़ें बनाई है वो टोटल 20 प्रोडक्ट्स हमारे पास हो चुके हैं अभी, जिसमें पांच तरीके के तो हनी है प्लस उनके साथ हनी गुलकन है, आंवला कैंडी है, पाचक आंवला है, ये कुकीज़ है, हल्दी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो टोटल 20 प्रोडक्ट्स अभी हम मार्केट में ला चुके हैं। किससे कितनी महिलाओं को वहाँ पर रोजगार? अभी मैं 7 महिलाओं को रोजगार दे रही हूँ और आगे इसको बढ़ाने का है मेरे, तो जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं और महिलाओं को रोजगार दूंगी। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने? इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 25 लाख का हुआ है और 5 लाख की खुद की निवेश पूंजी लगी है। टोटल 30 लाख का मेरा निवेश हुआ है इसमें।